हमने वो रास्ता ढूंढ लिया है तेरे, जिससे हम अपने बच्चों को तुम्हारे चंगुल से बचा लें और धड़े और धड़े रह जाएंगे तुम्हारे मंत्र। अब रोना तुम्हारे नसीब है, ना ही तुम्हें कभी नागमणि मिलेगी और ना ही तुम्हारे बेटे रुद्र की अंतिम इच्छा कभी पूरी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या ये सपना था या वाकई वाकई अमृता की आत्मा यहां थी? अमृता हमारे सपने में क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे वसु की जहर से बचा लिया हो? पर ये काम तो कोई नाग ही कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो वो नाग हमें नागलोक में ही मिलेंगे। इसीलिए हमें नागलोक जाकर पता लगाना होगा। नागरानी का सिंहासन ना सुंदर है ना? आज तो मैं इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तुम नहीं, माँ देखो ना, तुम्हें क्या हो रहा है? माँ पिताजी देखो सुनने को क्या हो रहा है। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। नागरानी मेरे बच्चे को बचाइए, वो मर जाएगी नागरानी। मेरे बच्चे सुरभि, मेरे बच्चे। रुके, इसकी मौत का अफसोस हमें भी है। ये मौत हमारे लिए रची गई थी। कौन है, कौन है वो हमारा दुश्मन? कौन है जो नागलोक में रहकर नागरानी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है? नागरानी जी, कुछ नाग आपको नागरानी नहीं मानते। क्यों? उनका कहना है कि नागरानी वो होती है जिनके पास नागमणि होती है, और नागमणि तो अमृता के पास है, इसीलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी वो है। हम नागरानी हैं। हम अमृता हमारी दुश्मन है, और जो हमारे दुश्मन के साथ है हमारा दुश्मन होगा। हम जल्द ही उस दुश्मन का पता लगा लेंगे। सही कह रहे हैं ये लोग, अगर हमें नागरानी बने रहना है तो हमें मणि हासिल करनी ही होगी। हमें साबित करना होगा हम इस सिंहासन पे बैठने के योग्य हैं। सर्पेश, आप हमारे खास रक्षक हैं। अब सवाल नागलोक की सुरक्षा का है, और वो मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। वो मंत्र किसी के दिमाग में कैद है। बताइए, वो जो बच्चे के दिमाग में है वो मंत्र हम कैसे हासिल कर सकते हैं? बताइए हमें। सिर्फ एक ही है जो दिमाग पढ़ने का तरीका जानती है, वो है कावेरी। कावेरी? हाँ नागरानी, वो कावेरी जिसकी आंखें आपकी वजह से गई थी, वो आपकी मदद क्यों करेगी? कावेरी ये राज जानती है, हम उसे मना लेंगे। त्रिवेणी, त्रिवेणी,
तुम्हारे कदमों की आहट हम कैसे भूल सकते हैं? कावेरी, हम एक काम से आपके पास आए हैं। कावेरी से किसी मदद की उम्मीद मत रखो त्रिवेणी, यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हम आखिरी बार पूछते हैं, तुम हमारी मदद करोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। आज तक हम जो दुख सहते आए हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और फिर भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें? अब क्या करोगी कावेरी? तुम तो हमारी शक्तियों में फंस गई हो। तुम्हारे चारों तरफ कांच की लक्ष्मण रेखा खींचती है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो त्रिवेणी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारे नहीं, अपने अंजाम की सोचो कावेरी। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की, मार देंगे हम तुम्हें। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या चाहती हो तुम, कहो। हमें एक बच्चे का दिमाग पढ़ के मंत्र हासिल करना है, और वो दिमाग हम कैसे पढ़ सकते हैं ये तुम हमें बता सकती हो। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? हम अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा देंगे। हरी बातों पर भरोसा करने को दिल तो नहीं करता त्रिवेणी, लेकिन फिर भी तुम पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए काली पहाड़ की गुफा में करंग ऋषि के पास जाना होगा। करंग ऋषि? वो तभी दिखाई देते हैं जब न दिन होता है और न रात। उनके पास जाके क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी त्रिवेणी, लेकिन याद रखना त्रिवेणी, वो ऋषि बरसों से तपस्या कर रहे हैं, और जो उनकी तपस्या भंग करेगा उसे वो भस्म कर देगा। आंखें खुलते ही उनकी आंखों से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो सामने खड़े इंसान को भस्म कर देगी। लेकिन त्रिवेणी, तुम्हें अपनी मंजिल पाने के लिए उनकी तपस्या भंग करनी ही होगी। अगर तुम उनके प्रकोप से बच गई तो तुम बच जाओगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी त्रिवेणी। हमें करंग ऋषि की तपस्या को भंग करनी होगी, उसके बाद हम उस बच्ची के दिमाग को पढ़कर नागमणि हासिल करने का राज जान पाएंगे। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम अपना वादा निभाओ। हम करंग ऋषि की तपस्या को भंग करेंगे। नागमणि हासिल करने के लिए हम अपनी जान पर भी खेल जाएंगे। हमारे पिते हैं मेरी बच्ची, ये आप आपको आशीर्वाद देंगे। इसे आशीर्वाद दीजिए, बहुत शक्तिशाली हो, कोई मुसीबत इसे छू भी ना सके। अपने सारे दुश्मनों पर ये विजय हो। नाग लोग को इस पर गर्व, और ये हमारा अधूरा काम भी पूरा। चलो गुड़िया दूध कर। अरे कोई है क्या? कोई आप चिल्ला क्यों रही? इसे कुछ नहीं होगा। अरे कोई आओ। ये सांप तो इसे आशीर्वाद देने आए। साईनाथ महाराज,
भी क्या रानी की रक्षा कीजिए। इस सांप को यहाँ से हटा दीजिए, इस सांप को यहाँ से हटा दीजिए साईनाथ महाराज। ने हमारी साची को बचा लिया, अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ मर गई? रात बहुत हो चुकी है, अब तो सोने दे छोरी। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये। अरे चुप, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। देखती हूँ कब तक ये मेरी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानते। ये सांची का घर है, कितना बड़ा और सुंदर है ना? पसंद आया हमारी सांची को? यहीं पे आपकी मासा और पिता सा रहते थे। चलो मैं आपको उनका कमरा दिखाती हूँ। ये रहा आपकी मासा और पिता सा का कमरा। अब हम आपको आपके पूरे परिवार से मिलाते हैं। ये देखो आपकी मासा की शादी की तस्वीर। कितनी बदकिस्मत है मेरी बच्ची, इतना भरा पूरा परिवार था, अब तो उसके नसीब में मां का आंचल तक नहीं रहा। सब बिखर गया, सब खत्म हो गया। वक्त के आंधी ने हमारा घर औंधा ही उजाड़ दिया, सब खत्म हो गया। अचानक कात्यायनी की कुटिया में कैसे आना हुआ? कात्यायनी, हमें भरम रुद्राक्ष चाहिए। भरम रुद्राक्ष? क्यों त्रिवेणी, उसके तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? क्या किसी को पागल बनाना है? बेकार के सवाल मत पूछो कात्यायनी, हमारे सवाल का जवाब दो। क्या आप हमें भरम रुद्राक्ष दे सकती हैं? लेकिन सुना है त्रिवेणी, एक नागिन के कारण तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो गया और इसलिए तुम्हें फिर से नागिन बनने पर मजबूर होना पड़ा है। कात्यायनी, हमने कहा ना कि बेकार के सवाल मत पूछो, अगर हमें गुस्सा आ गया अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी।
त्रिवेणी, तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखना त्यैनी को मारना आसान नहीं है, क्योंकि नागलोक और इंसानी लोक की एकमात्र कड़ी ये कात्यायनी ही तो है। सुना है वो नागिन तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की बहू बनकर रह रही थी? हाँ, और उसे इस हरकत की सजा भी दे दी हमने, खत्म कर दिया हमने उस नागिन को, मार दिया, जान से मार दिया उसे। और अब अगर और सवाल पूछकर हमारे जख्मों को कुरेदने की कोशिश की तो हम आपको भी मार डालेंगे। वक्त के साथ जो जख्म भर रहे हैं उन्हें कुरेद कर नासूर बनाने की कोशिश मत करो कात्यायनी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। हरम रुद्राक्ष। इससे पहले कि पांव फटे हमें जल्दी गुफा पहुंच जाना चाहिए। यही वो जगह है जहां हमें ऋषि मिलेंगे, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते? वो तभी दिखाई देते हैं जब न दिन होता है और न रात। अरे हाँ, कावेरी ने कहा था कि जब पांव फटेगी तभी दिखेंगे। हमें ऋषि के दर्शन होंगे। तो ये है वो ऋषि जो हमें मंत्र हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, वो ऋषि बरसों से तपस्या कर रहे हैं और जो उनकी तपस्या भंग करेगा उसे वो भस्म कर देंगे। आंखें खुलते ही उनकी आंखों से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो सामने खड़े इंसान को भस्म कर देगी। अगर तुम उनके प्रकोप से बच गई तो तुम बच जाओगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। त्रिवेणी, हमें सावधान रहना होगा। कैसे करें? है वो जिसने हमारी तपस्या भंग की है? प्रणाम गुरुवर। तुम जानती हो जो हमारी तपस्या भंग करता है हम उसे भस्म कर देते हैं। आज तुम्हारी मौत निश्चित है।